मैं पढ़े उड़े नहीं है भैया, सब करे करे देखे हाँ तो कर देना। पूछा था बता ये ताकि हम दस्तक करवाए कि नहीं करवाए? कर दे मैं तीन जन करी मैं तक करे तो पढ़े लिखे आते कि नहीं आवे? पढ़े लिखे नहीं आवे यार, पढ़े नहीं आवे अब ये दस्तक करवाई ये तो खुद है इस रात के। कैसे सर बताओ? जय हिंद दोस्तों, आपने हमारे ग्राम पंचायत मुभट्टा के पहले ग्राम सभा को भी देखे, दूसरे ग्राम सभा को भी देखे, हम इसमें तीसरा ग्राम सभा है और इस वीडियो में आपको पहले ग्राम सभा भी देखने को मिलेगा, दूसरा ग्राम सभा में क्या हुआ वो भी देखने को मिलेगा और तीसरा ग्राम सभा में क्या हुआ वो भी देखने को मिलेगा। तो साथियों यहाँ पर पहले ग्राम सभा में आपने देखा होगा कि बार बार जो पंचायत सचिव है वहाँ पर मामला आके रुक जाता था कि गांव के पंचों ने बोला था कि पंचायत सचिव जो है सभी से सिग्नेचर करवा रहा है और एक फाइल रखा हुआ है जिसमें एनओसी के जो 7 प्रकार के एनओसी है उसको, और जो सरपंच महोदय ने हमें बताया है कि जो ग्राम पंचायत के सचिव है उसको लगातार ट्रांसफर किया जा रहा है। उसका कारण ये है कि जो पुराना वाला सचिव था उन्होंने जबरदस्ती एनओसी देने से मना किया था क्योंकि बिना ग्राम सभा के एनओसी नहीं दिया जा सकता, लेकिन तो उसको हटा करके नया जो सचिव है उसको लाया गया है और वो सचिव जो है जो अनपढ़ व्यक्ति थे, कुछ अनपढ़ जो पंच थे उनको बाहर ग्राम पंचायत के बाहर जो हमारा गांव का जो तालाब है वहाँ या जो जहाँ शमशान घाट है वहाँ ऐसे जगह जो शमशान सुनसान जगह में बुला करके पंचों को जो अनपढ़ पंच थे उनको दस्तखत कराया गया है। तो साथियों इसमें आपको पहला जो है वो भी मिलेगा। अब तो चलिए साथियों पूरा वीडियो देखिए और तीनों जो ग्राम सभा है उसको देखिए और जानिए कि इसमें गलती किसकी है और साथियों आपके हिसाब से कंपनी खुलना चाहिए या नहीं खुलना चाहिए इसको कमेंट करके जरूर बताइए। 5 से 6 महीना पहले बिलासपुर 3 गाड़ी भर के लगी और वह बात करे है सौदा मंजूर नहीं हुई, वो बात 2 दिन के खारिज हो गए। सचिव बारानदास जी ने उतर के खारिज कर दी, पैदल आए जैसे भी आए वो राजा राम वगैरह सब तेज राम वर्मा। जब सरपंच उप सरपंच और सचिव और पंचायत के बीच में अगर बात नहीं देखने लगती कि हर आदमी के दस्तक 14-15 आदमी के रजिस्टर में नहीं मिलती, आज वही बात के पाइप पिलक पेशी लगे जीएम में जाकर अमन हो जाते सुन बरोबर सुन ओकर बाद की भाई कराए कौन वाला वो मेरे बलाए कौन ले मेरे बलाए सबके दस्तखत हो गए ऐसे हो गए कब हुई जब हमारे बीच में सचिव सामने में रही तब और वो ऐसे कैसे कौन कौन मेरे बला करे मैं कुकरे चू दम दाग करे ये सबके दस्तखत हो गए भाई कोनो पड़की टीम करे कोनो बगीचा करे कोनो मरघटिया करे कोनो घर में करे सचिव सचिव दो दो तीन तीन थी ट्रांसफर करत ना तो फैक्ट्री खोल के सचिव लाए है तब वो है प्रयास कैसे का स्थिति है कैसे कुछ आगे बढ़ा थे कि नहीं ऐसे तब वो हा वही में अपन पूरा रजिस्टर में दूझनलावती नहीं कि इसका आप मन के सामने दूझनला सुवेला में तेला आमा कोनी में तब दूझनला बगीचा में ऐसे घर में ऐसे करके करवाए वो हा तो वही कागज है तेल में विषय डाले है 7 एनओसी देना है 7। बता जी बतावा पूछा था बता ये ताकि हम दस्तक करवाए कि नहीं करवाए? कर दे मैं कर दे कौन की सही हूँ तीन जन करी मैं तक करे तो पढ़े लिखे आते कि नहीं आवे? पढ़े लिखे नहीं आवे यार, पढ़े नहीं आवे अब ये दस्तक करवाई नहीं बता जी ये तो खुद है इस रात के। कैसे सर बताओ सर बताओ सर ये बोला नहीं कि आप पढ़े लिखे नहीं आवे सर पढ़े लिखे नहीं आवे टाकी बांधम अपन कह रहे हैं मतलब कहा टाकी बांधम पढ़े लिखे नहीं आवे अपन को खुद जिम्मेदार पंच है कोई बच्चा नो है बोला सब जो जो कुछ करना है बोला सब टाकी बांधम अपन का निंदे कर रहे हो का होते नहीं हमारा कोई विषय हो रहा है
मैटर में हम लोग कोई विषय नहीं है, न मैं विषय ले भी नहीं है सर, वो विषय हमारे मन में जरूरी है ना सर, ठीक है ना, तो आप सभा में आप स्वतंत्र हो ना भाई, आम सभा में कोई भी आप स्वतंत्र हो, लेकिन ये विषय मैं नहीं ले रहा हूँ, तो हमारे मन में बात नहीं कर, हमारे मन में बहुत इम्पोर्टेंट विषय है ना सर, स्वतंत्र हो ना भाई, आप जहाँ जा रहे हो पता कर लो, ग्राम सभा रखो, ग्राम सभा ग्राम सभा रखो, अगले आदमी तो भगवानी से आप लोग जब भी बुलाई साहब प्रभु उपस्थित नहीं हो काबर नहीं हुए आप मना पूछना सरपंच के बारे में मीटिंग हो माइक लगा मीटिंग हो आप हमेशा गायब काबर रहा वाला वो दिन सरपंच भी बहुत जल्दी 15 अगस्त तक दिन आप मन नहीं आए हो वापस गए हो आप मन अगले आदमी भाग रहे हैं भगवान है फोन करके सुन लेगा ये हम ताल में जो बात है मैं कौन मन करता किसे को दस्तक किसे हुई हां छोड़ दो भाई ठीक है एक मिनट का महोदय जब हम लोग यहाँ से वृक्षारोपण के लिए जो पौधा आया था उसको छोड़ने हम प्लाट गए वहाँ पर आप थे वहाँ पर अब थे बच्चे लोग बताए कि अब भी जस्ट ईश्वर फोन करे ईश्वर फोन करी सिया उस पौधे के लिए आप पूछे हो कि ये पौधा क्यों नहीं लग रहा फोन लगाए पर एक टिक में चालू नहीं गाड़िया दूसरिया की चलाई से चालू है हेलो सर हाँ वो तो बताओ आप देखा ग्राम पंचायत में भट्टा के सचिव हो ग्राम पंचायत में भट्टा में सर्वसम्मति से सरपंच पंच पूरा गांव वाले के सहमति से एनओसी नहीं देने करके यहाँ प्रस्ताव पास हुआ इसके बारे में आपको जानकारी है कि नहीं है हड़ताल में सरपंच आप लोग देश की नहीं सरपंच में दर्द पता वो लिखित में है सब चीज में गाँव वाले और पूरा पंच सरपंच इसका विरोध कर रहे हैं करके आपको पता है कि नहीं है आप अभी सचिव हो वर्तमान में तो आप सब चीज हम लोगों के सर आप मतलब पहली ना जो पंच में रही से वो आप मन ऊपर आरोप लगा रही से आपका सिग्नेचर आप करवाया जो सही बात है जो आरोप कोई भी बच्चा नो है ना भाई कतरो हाथ पकड़ के नहीं सुन जाए जो कभी वो पंचायत के वो अलग बात वो आप एक ही आदमी से मतलब पंचायत में 16 पंच 16 से ही मतलब आज मैं पब्लिक के बीच में हूँ ना पब्लिक के राय मतलब आज प्रत्येक सुनाता हूँ ठीक है सर
तो भाई मैं हाँ तो राय से बाहर काम करूँ तो भाई मतलब दोस्त करते हैं सब कुछ पता है सर सर पहली आप दस्तखत करवा बर थे सरकारी कर्मचारी काबर गए जानन गांव सर पहली आपन ऊपर हमारे गांव के पंच में रही से मैं अपन ऊपर आरोप लगा कि अपन जबरदस्ती मतलब पैसा दे दे के मतलब दस्तखत करवाए हो तो आप मन करवाए हो कि नहीं करवाए सर पहली प्रमाणित दो पैसा नहीं दस्तखत करवाए सहमत है तब वो है अन्यथा नहीं होती तो आप मन करवाए कि नहीं करवाए वो सहमति है वो रजिस्टर निकालते कहा लिखा है वो बात ऐसे घूमे घूम के दस्तखत पर कहा तो ऊपर मैं करी हो कार्रवाई समझ गए वो नौकरी नहीं खा हूँ तुझे शासन के जानकारी होती थे घर में नहीं जाती पंचायत में बुलाती आवाज पैसा पाए तब का कहते आन गाँव घर में जाकर दस्तखत करवाए कुछ तो करो चुप नहीं तो वही रजिस्टर के बाद है ना रजिस्टर मैं उपलब्ध करा दूँ है ना लेकिन मेटर हम तो एक ग्राम सभा संबंधित कोई रामा मेटर के संबंध में कोई ग्राम सभा नहीं है ना लेकिन ये बात अचानक आप मन उठाया है ना भाई लेकिन सरपंच ये बात के कि ये मेटर से हमने बातें नहीं करना रही से लेकिन जब ये ग्राम सभा बिना हो संपन्न हुए बिना कोई चीज प्रक्रिया अधूरा है ना और वो प्रक्रिया जब तक तुम्हारे ये लिखेगी जब तक ग्राम सभा की प्रत्याशा ने ऐसा हो लिखा गया और अगर आप मन के ग्राम सभा के रजिस्टर के मांगे तो रजिस्टर आप मतलब सत्यापित करके उपलब्ध करा दिए जाए इतना है ये बात नहीं मैटर आज एक संबंध में कोई ऐसे में ग्राम सभा नहीं रखे गए है ना मैं रजिस्टर पढ़ के सुना देना भैया ग्राम सभा में कोई भी बात हो रखे जा सकते कंपनी हो गांव के कोई भी समस्या मेटर कंपनी एक समस्या है और उस समस्या को हम आपके पास रख रहे हैं तो आपको लिखना पड़ेगा उसका कॉपी हमको देना पड़ेगा ग्राम सभा है ग्राम सभा है हम ग्राम सभा में आए हैं अपनी बात सरपंच महोदय सरपंच महोदय हमारा रजिस्टर देखना है सबसे पहले आपसे निवेदन है रिक्वेस्ट है रजिस्टर दिखवाओ आप बोल सकते अरे इतने अरे तय निकाल रहे आते हैं अभी वो रामा मेटल है वो अपन फैक्ट्री नहीं खोल सका जब तक मैं मांग करे हूँ कब से का मांग करे हूँ बार बार कलेक्टर से डीएम से इधर एसपी से तो आई से सीओ से तहसील सबसे मोर जगह आवत मगर जब तक ग्राम सभा नहीं होगा और लिखित में ग्राम सभा भी होना चाहिए और लिखित में यहाँ के गांव के यही गांव प्रॉपर
गांव से नहीं, गांव से अलग है, सूरत छत्तीसगढ़ है। जब तक यहाँ के गांव के मुवट्ठा के नवयुवक को रोजगार नहीं देंगे और गांव वाले काम ही नहीं कर रहे हैं, अरे चिल्ला तो पूरा ग्राम पहले बात सुन लो, गाँव में है यहाँ पर कोई खुलने के लिए राजी नहीं है, ज्यादा है तो आप ग्राम सभा करो और ग्राम सभा के साथ साथ मेरे को लिखित चाहिए कि यहाँ के लोगों ग्राम मुवट्ठा के लोगों को रोजगार, तभी मैं सहमत हो सकता हूँ, अन्यथा मैं सहमत नहीं हूँ। और ग्राम सभा माने आपके गांव वाले जो कहेंगे वो बात करते ठीक है सर। तो सचिव से मैं पूछना चाहता हूँ कि ऐसे का मजबूती थी सर, आप मन ये कहा थे टाकी बांधा में या आमा पूर्णी में ऐसे दस्तखत करवा का मजबूती थी सर, ये तो अभी बोलो सर, बताना सर, ए सर आप सर सामने बोला सर, झूठ बोला था अपन सचिव बोला झूठ बोला कोनी में ये नहीं टाकी बांधा रीस नहीं है, ये है उप सरपंच मूल्य की टाकी बांधा रीस नहीं है, टाकी बांधा रीस वो नहीं है, बताओ सर, ए सर ये बोला मैं टाकी बांधा आप बनकर रीस कहा ज्यादा भाई को झूठा कहा लबरा कहा कुछ नहीं बोला भगवानी उप सरपंच इंजीनियर खड़ा आदमी के बीच में जो भी बोला थे लेकिन मैं बात बोला था सही बात मतलब झूठ बोला था लबरा का हाथ तोड़ा हुआ वो लबरा नहीं हो सका भैया, लबरा जवाब देना था जवाब कहा जवाब मारा होना नहीं कि मैं खड़ा होगा।